एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। भाइयों और बहनों, चल चला चल कंपनी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और पते की बात यह है कि मैं बस का मालिक, इस बस का कंडक्टर बन गया हूँ। अब ये सब क्यों हुआ और किस लिए हुआ, ये सब लंबी कहानी है, मैं आप लोग को बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल आप लोग सब लोग मुझे संभाल लेना। हाँ, आप लोगों का स्टॉप क्या है, किराया कितना है, खुद ब खुद ईमानदारी से पैसे गिन के मुझे दे देना, मैं कैलकुलेटर लाना भूल गया हूँ। और धोखाधड़ी मत करना, मैं हिसाब किताब का बहुत पक्का हूँ। हाँ भाई, किधर जाना है? पीसी। पीसी क्या? पुलिस कांस्टेबल। मतलब फ्री। ओके, आपको किधर जाना है? पीसी। ए, कितने पीसी है इसके अंदर, इस बस में कितने और पीसी? हम सात पुलिस कांस्टेबल है इस बस में। हम डीसीपी की बेटी की शादी में जा रहे हैं। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद बोल देना, सलाम बोलना। हाँ, आप लोग आए? महालक्ष्मी। मैं आपका नाम नहीं, आपके बस स्टॉप का नाम पूछ रहा हूँ। ये बस स्टॉप का ही नाम है। चलो, बहुत समय बाद दवा की कमाई हुई है। ये क्या बदतमीजी है? कुछ नहीं, ऐसे ही दुपट्टा ठीक कर रही थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने अब तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं चुकाई। वो गणपति के मेले चल रहे थे यहाँ पर, एक मिनट की फुर्सत नहीं मिल रही थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मेरे पास घर जाने के लिए एसी टैक्सी के पैसे भी नहीं थे। तुम तो मेरा सारा खर्चा उठाने वाले थे ना, ये क्या तमाशा है? तूने सुन लिया? तू चुपचाप खड़ी रहे। और तुम सुनो, तुम घबराना मत, अगर कुछ भी होगा ना तो मैं संभाल लूंगा। लड़की कौन है, इसने मुझे धोखा दिया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या हुआ? मैं सब समझ गई हूँ। ये हरामखोर ऐसी हरकत करेगा, मेरे सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन मैंने किया क्या है? मैंने किया क्या है? उस दिन तुम भूल गए जब मैं अस्पताल में थी। अस्पताल? और इन्होंने कहा था कि मेरे पूरे खानदान का भी ख्याल रखेंगे। कहा था कि नहीं? हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा। तो क्या हो गया? हाँ, तो कब रखेगा, उसके मरने के बाद? शुभ शुभ बोलो दीदी, पहले एक झूठे आदमी से मेरा पाला पड़ा हुआ है। चुप रह, खामोश हो जा। और तू इधर। अरे, तू समझ क्यों नहीं रही है बात को? अरे, अब तू मुझे क्या समझाएगा? अगर ठीक टाइम पे तेरी शादी हुई होती तो ये नौबत नहीं आती। हजारों लड़कियां मिल सकती थी अच्छे खानदान की, एक यही डिफेक्टिव पीस मिला था तुझे। अरे, तू समझ नहीं रही है, इसके खानदान वाले सब ठीक ठाक है और ऐसी कोई बात नहीं है। और तू सुन रहे, खबरदार जो तुम दोनों ने मेरे खानदान के बारे में कुछ बोला तो। हम तेरे खानदान के बारे में क्यों बोलेंगे, उन बेचारों का क्या कसूर है? सारा कसूर इस बदमाश का है। क्या बकवास कर रही है बार बार तू? क्या बात कर रही है मेरी माँ, तू बात समझती क्यों नहीं है? मैं बच्ची हूँ, लड़की, अस्पताल, पता ही नहीं। अरे, बाबूजी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? अंधेरे में रखा, वो भी इस दीपक ने। मुझे भी। ओए, चुप कर। मैं चुप नहीं रहूंगी, एक लड़की की मेरे सामने जिंदगी बर्बाद हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुप, अंदर जा, जा अंदर। अरे, ये वो लड़की जिसका मेरे बस के साथ एक्सीडेंट हो गया था, इसकी टांग टूट गई थी इसलिए अस्पताल गई थी वो, और मैं उसके पैसे दे रहा हूँ, इतनी सी बात है बस। बस इतनी सी बात है? हाँ। मैं तो डरी गई। अबे, डरा रही थी तू मुझे, तू जा अंदर। और तू सुन, ये पकड़, ये 500 रुपए पकड़ और जा। सिर्फ 500? मेरे रोज के दवाई और इंजेक्शन का खर्चा 1000 रुपया है। हाँ, तो 500 और पकड़ और जा। अरे, कितने पैसे लुटाएगा इस लड़की पे? अरे, लड़की नहीं है ये। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे बदले मरीज है और तू बीच में बार बार क्यों आ जाती है? तू जा अंदर। और तू सुन, मेरा बस का बिजनेस अच्छा चल रहा है। हाँ, स्पेशल ट्रिप्स हो रही हैं, कलेक्शन के पैसे आने बाकी है, जैसे आ जाएंगे तेरे को पैसे दे दूंगा। पक्का? वादा, वादा करता हूँ मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। क्या वादा कर रहा है इससे? अरे, तू जाती है कि नहीं अभी? ए बसंती, अब तो भगा तेरी धन्नो को। अरे, पौना घंटा हो गया इंतजार करते करते। अरे, पहले वो कमीना कंडक्टर आएगा तभी तो गाड़ी हिलेगी। और देखो, जिसको जल्दी है वो जाए पद यात्रा पे। मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनम योगी विरध्यानगम्यम वंदे। अरे पुजारी जी, आपने हरिलाल को देखा क्या? यहाँ तो सब लाल हरि के हैं। तुमने को जो माथे पे टीका लगाता है, हाथों में धागे, गले में ताबीज पहनता है, सीधा सा, हाथ जोड़ू, कंडक्टर। राम 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 राम, नाम मत लो उस हरामी का, पी कर कहीं पड़ा होगा अड्डे पे। ये भैया, हरिलाल आया था यहाँ पे? हमेशा आता था लेकिन कुछ दिनों से नहीं आया, कहता था कि नई नई नौकरी लगी है। अब उसे कहाँ ढूंढूं यहाँ पे मैं? वैसे उसकी एक है औरत। बहन जी, ये हरिलाल एक टैक्सी लेकर आए थे। हाँ। और दोनों निकल गए सुबह सुबह। कुछ स्पेयर पार्ट्स का हुआ है, कुछ देखते हैं अभी। कुछ पता चला?
कुछ लेन देन बाकी था? नहीं हाँ, वो पिछले महीने का पगार लेने आया था और लेकर गया, इतना लेन देन तो हुआ है। दीपक मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मेले का पैसा, टिकट का पैसा, 10 दिन का गल्ला। नहीं उसका हिसाब तो वो आज देने वाला था, क्या हुआ? वो है ही नहीं, कहाँ है वो? उसको बाहर बुलाइए। सिपाही अभी आए थे लेकिन वो घर पे नहीं है। देखिए आप उसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए, वो जहाँ पर भी है हम लोग उसको ढूंढ निकाले गए। तो चुप कर। क्या उसने कोई गलत काम किया है? है जी नहीं, गलत काम तो हम लोगों ने किया है जो उसको नौकरी दे दी बगैर जान पहचान के, बगैर किसी डिपॉजिट के। अरे हम भी मजदूर आदमी, मजदूरों की मुश्किल समझते हैं। उसके धर्म गर्म के टीके पे भरोसा क्या कर लिया कि उसने हमको ही टीका लगा दिया? कितनी ताक में बैठे हुए थे हम लोग कि ये पैसे आएंगे तो उससे कर्जदारों के पैसे चुकाएंगे, और वो हरिलाल सारे पैसे लेकर भाग गया। उससे कह दीजिए कि वो दुनिया में कहीं भी जाकर छुप कर बैठा है, वो ऊपर वाले की नजर कैद में है, वो उसको माफ नहीं करेगा। अरे हरामी ने नाक कटवा दी, इस उम्र में यही सुनना बाकी था। ए, दीपक कहाँ जा रहा है? सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। चल सीधे पुलिस स्टेशन चल के फिर लिखाते हैं। ये फिर लिखाना क्या होता है? अरे वो FIR फिर। तू अपने दिमाग से इंग्लिश की डिक्शनरी निकाल कर फेंक दे। अरे कंप्लेंट तो लिखवानी पड़ेगी ना यार। वही तो सोच रहा हूँ मैं, उसके बूढ़े माँ बाप को देखा, उनके हाल को देखा। हा? हमारा तो पैसा गया है, उनका तो बेटा ही फरार हो गया। हाँ पुलिस कंप्लेंट कराएंगे तो क्या होगा? तकलीफ तो बूढ़े माँ बाप को होगी, बेटा तो क्या है मजा मारेगा टनाटन टनाटन, उसको क्या है? मैं उसकी बुराई की सजा उसके बूढ़े माँ बाप को नहीं दे सकता। पहले बिचारे ढलान पर है, मैं उनको धक्का की दूं? तेरा दिल बड़ा है लेकिन दुनियादारी दरिया दिली नहीं समझती। ये टायर वाला, गैरेज वाला सांप की तरह फन उठाएंगे पैसे के लिए, देन व्हाट विल यू डू? सुन, दो दो घर जमाई है, किसी एक का बटन दबा लें, फैला तो उजाला नहीं तो अंधेरा तो है ही। अरे वो लोग दोनों तो इसी ताक में बैठे हुए हैं कि कब मैं मुंह खोलूं और वो लोग हल्ला बोल दें कि घर भेज दो घर भेज दो। और मेरी मुश्किल ये हो गई है कि मैं किसी अपने को मुंह खोल के बोल नहीं पा रहा हूं कि मुझे पैसे की जरूरत है। मेरा एक थैला नहीं है, मांग कर रहा हूं तुझसे, मैं तो बता रहा हूं, बोल रहा हूं। और तुझसे तो पैसा मैंने हक से मांगा था लेकिन मेरा बैड लक देख मैं तुझे लौटा नहीं पाया। अबे साथ चल तो सही। सुन, तू मेरा ब्रदर है, मेरा छोड़। मेरा अमेरिका जाना मतलब 100वें माले पर पैदल चढ़ना है, पैसा इकट्ठा करूं, वीजा अप्लाई करूं, इंग्लिश सीखूं। अरे चढ़ती पतंग की डोर है रे। तो यहाँ कौन सी पतंग लहरा रही है? गोताई खा रही दोनों की। कंडक्टर साला मिले, इसको तो मिलके धोएंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा चुका दूंगा। कंडक्टर मिलने की दुकान होती तो कितना अच्छा रहता। कंडक्टर मिलने की दुकान होती तो कितना अच्छा। बार बार बात करते। उसकी जगह कोई भी होता ना तो ये काम नहीं करता। हाँ, तुम्हारा भाई तो महान बना है कंडक्टर, उसके बाद बनेगा क्लीनर, पूरी बस का कीचड़ साफ करेगा और हम पे उछालेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक ही कह रहा हूँ मैं, संभालो बचा लो वरना पूरी सोसाइटी में हमारा फैमिली स्टेटस ब्रोकन। ना कर वक्त खोटा, नहीं कोई काम छोटा, घर है लगन तो जिया हो जाए मगन। चल चला चल, चल चला चल, आगे तू बढ़ चला चल, जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो बेटा। बाबूजी आज से रोज रोज घर आना नहीं होगा, कभी कभी बस की रखवाली के लिए स्पॉट पे रुकना भी पड़ेगा। थैंक यू। मेंशन नॉट। अच्छा भाइयों और बहनों, चल चला चल कंपनी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और पते की बात यह है कि मैं बस का मालिक, इस बस का कंडक्टर बन गया हूं। अब ये सब क्यों हुआ और किस लिए हुआ ये सब लंबी कहानी है, मैं आप लोग को बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल आप लोग सब लोग मुझे संभाल लेना। हाँ, आप लोगों का स्टॉप क्या है, किराया कितना है, खुद ब खुद ईमानदारी से पैसे गिन के मुझे दे देना, मैं कैलकुलेटर लाना भूल गया हूँ। और धोखाधड़ी मत करना, मैं हिसाब किताब का बहुत पक्का हूँ। हाँ भाई किधर जाना है? पीसी। पीसी क्या?
पुलिस कांस्टेबल। मतलब फ्री। ओके, आपको किधर जाना है? पीसी। ए, कितने पीसी है इसके अंदर? इस बस में कितने और पीसी? हम सात पुलिस कांस्टेबल है इस बस में। हम डीसीपी की बेटी की शादी में जा रहे हैं। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद बोल देना, सलाम बोलना। हाँ, आप लोग आए? महालक्ष्मी। मैं आपका नाम नहीं, आपके बस स्टॉप का नाम पूछ रहा हूँ। ये बस स्टॉप का ही नाम है। पढ़िए इसको। ये क्या किया तुमने? हमने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है, अपना धर्म समझकर। आप किस मसले की बात कर रहे हैं? शैतान की दुआ से तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक ही मसला है, वो है पुलिस कंप्लेंट का। अरे, तुम्हारा आदमी मुझको चुना लगा के भाग गया और मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट कर डाली? कंप्लेंट तो मुझे करनी चाहिए थी, पैसे का मेरा नुकसान हुआ है। लगा के क्या रखा है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? उसूल क्या है? मगर याद रखना एक बात, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। लेकिन अब मुंह खोलना आपके हित में नहीं है। पुलिस कंप्लेंट आपके खिलाफ है। एक मजदूर पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे नौकरी से निकालकर मानसिक कष्ट दिया आपने उसे, छोटी बात नहीं है ये। छोटी बात है? पुलिस कंप्लेंट में तो यही दर्ज है, इसलिए शक की निगाह आप पर जाती है। तो कागज पे कुछ लिख दिया तो क्या वो कैसा हो गया? पुलिस के सामने लिखवाने से बात पक्की तो हो जाती है ना, कानून है, समझे आप? हाँ, मुझसे पहले कंप्लेन कर सकते थे आप, लेकिन ये मौका तो आपने गवा दिया। तो आप संभल कर कदम बढ़ाना और संभाल कर जबान चलाना। आज के बाद संभल कर तो तुम रहना मिस्टर सिंह। कानून कोई बच्चों की दौड़ नहीं है कि जो पहले आ गया उसको ट्रॉफी वॉफी मिल जाएगी। और ये जो ये कानूनी तिरछे दांव पे लड़ रहे हो ना तुम, याद रखना ये सच का तीर जो है ना, ये सीधे घुस जाता है। ब्रेक फेल। अरे चुप कर, बस चला रहे थे, रॉकेट उड़ा रहे थे, उड़ा देते थे तुम मुझे। काश ऐसा होता। What? कि ब्रेक टाइम पे लगा होता। अरे लेकिन आप भी सड़क पर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनकर क्यों खड़े हो? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी? हाँ भाई भाई, लेकिन अमेरिका हमें जाना है क्या आपको? ये बस लेके जाओगे क्या अमेरिका? अरे हम साइकिल से जाएं, लेकिन सड़क के बीचों बीच खड़े होने क्या खुजली है आपको? ए खुजली मास्टर, ये मेरा काम है। उस दिन मेले के दौरान मैंने इतने इशारे किए रोड साइड से, फिर भी आप लोगों ने बस क्यों नहीं रोकी? नहीं, रोड साइड के इशारों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, हम शरीफ हैं। बस क्यों नहीं रोकी? देखिए, उस दिन जो मैंने बस नहीं रोकी ना, तो गुरु के बोलने पर नहीं रोकी। नहीं, आप एक बात बताइए, कितने भक्त लोग जो है वो धूप के अंदर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, उन लोगों को छोड़कर हम लोग आपके दर्शन करने के लिए कैसे चले आते? यानी बस ओवरलोड थी। रूल नंबर 113 सेक्शन के ब्रोकन। आपकी बस जब पेट्रोल पंप पर डीजल डलवा रही थी तो कोई गुनाह है क्या? हाँ गुनाह है, बस पैसेंजर से भरी हो गुनाह ही है, समझा? देखिए जी, रूल नंबर 93 सेक्शन पी ब्रोकन। देखिए जी, मेरी बात। ओ, मैं तो भूल ही गया था कि आप तो काम करते समय जीजू होते ही नहीं है, तो आप जो कोई भी है, आप जबरदस्ती बाल की खाल मत उतरी है। आपके कहने की वजह से हम लोगों ने बस के चारों टायर चेंज कर दिए, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कीटाणु मारक गोली रख दी, बस का तो क्या अपना भी टाइम टेबल सुधार दिया। अब हम लोग बारात के घोड़े के सामने भी नोट नहीं दिखाते, अब हमारे 2-in-1 के अंदर आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक में चलाइए ना। 2-in-1 का मतलब तो समझ गए होंगे, मालिक और कंडक्टर। ओहो, कंडक्टर विदाउट बैग, कंडक्टर विदाउट यूनिफॉर्म, सेक्शन 90 ब्रोकन। सेक्शन 90 ब्रोकन। साले सर फोड़ डालेंगे, साले उल्लू बनाते हैं, इसको तो मैं तोड़ी डालता हूँ। ले गया तू, जीजा है वो अपना, चला। वाइपर कहाँ है? वाइपर यहाँ है। वाइपर का मतलब जानते हो? हाँ, खतरनाक जहरीला सांप। ड्राइवर,
वाइपर है ना साहब, दोनों है ना उधर। रोते रोते चलता है कि त्रिताल झपताल में नाचता है। अरे जैसे भी चलता है, बारिश का मौसम नहीं है, आपको वाइपर से क्या सरोकार है? हाँ, दो दो वाइपर है, एक खड़े खड़े जंग लग गया और दूसरा खड़े खड़े टेढ़ा हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है वाइपर की? I understood. Rule number 65, section O broken. मुझे अभी के अभी वाइपर्स चाहिए। क्यों, खाएंगे क्या? Shut up! I will charge. हे बसंती लाल, जाकर वाइपर लाकर इनके चश्मे पे लगा ताकि इनको अपनी दुनिया साफ साफ दिखाई दे। देखो, तुमने मेरा पर्सनल इंसल्ट किया है। संभव ही नहीं है, आप तो प्रोफेशनल टाइम के ऊपर पर्सनल होते ही नहीं है, तो फिर पर्सनल इंसल्ट कैसे होगी? मैं फाइन मारूंगा। फाइन? फाइन मारो या ताना मारो, आप क्या चाहते हैं कि हम लोग सड़क के ऊपर आ जाए? हम लोग सड़क के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है, जो सेक्शन लगाना लगाइए। ओके ओके।